लोकल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं मुख्य व खास खबरों के बारे में। एनएच 133 हंसडिया गोड्डा मुख्य मार्ग बद से बदतर होती जा रही है, सड़क तालाब में होती जा रही है तब्दील। तो चलिए आपको कुछ वायरल तस्वीर दिखाते हैं। तो इस पर जनता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां तहां बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालात ये है कि प्रतिदिन दो पहिया चार पहिया वाहन व अन्य वाहनों के चालक दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। और आपको एक खास बात बताते चले कि एनएच 133 की चौड़ीकरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। दो कोरोना मरीज रेफर, 19 केस सक्रिय। खबर है गोड्डा से। गोड्डा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार दो दिन यहां दो कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। यहां अब तक कोरोना से दो लोगों की हो चुकी है मौत। खबर गोड्डा जिला से। गोड्डा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए तैयार हो रही है आधारभूत संरचना। इस माह चार्ज होंगे 9 सब स्टेशन। गोड्डा विद्युत प्रमंडल की ओर से जिले के 9 नए सब स्टेशन को चालू कराने के लिए विभागीय स्तर से प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में जिले के उपभोक्ताओं के लिए यह राहत वाली खबर है। पिछले दिनों पथरगावा के गांधी ग्राम लकड़ पहाड़ी में उच्च क्षमता पावर ग्रिड को चालू किया गया है। वहीं महगावा के नया नगर में भी नया पावर सब स्टेशन चालू कर दिया गया है। अब अगर 9 नए सब स्टेशन शुरू हो गए तो समझिए कि गोड्डा जिला के बिजली समस्या का अस्थायी समाधान हो जाएगा। मशरूम की खेती से अच्छी हो गया आमदनी। डॉक्टर रविशंकर जी कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को जीविकोपार्जन हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रशिक्षण का विषय मशरूम उत्पादन तकनीकी था। श्री निष्कांत दुबे जी जनता को संदेश देते हुए कहे कि चित्रा बासुकीनाथ रेलवे के लिए 61 गांव में ग्राम सभा पूरी, शुरू होंगे भूमि अधिग्रहण। चित्रा बासुकीनाथ रेल लाइन के निर्माण क्षेत्र में विकास और समृद्ध सात संभावना के द्वार खुलेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक बार डॉक्टर निष्कांत दुबे जनता को संदेश देते हुए कहे कि सड़क बनाने लद्दाख भेजे गए साहेबगंज के मजदूर शिव ठाकुर सोरेन की लैंड माइन ब्लास्ट में गई जान, दूसरी के हालात गंभीर। भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण के लिए गए साहेबगंज के शिव कुमार की मौत से मन आहत है। ईश्वर उनकी आत्मा को सदगति प्रदान करें। ओम शांति ओम। गोड्डा डीसी ने जनता को संदेश देते हुए कहे कि गोड्डे जिले में आज 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। वर्तमान समय में जिले में कुल 19 कोरोना पॉजिटिव केस सक्रिय हैं। जिला वासियों से अपील है कि आवश्यक घरों से बाहर न निकलें, मास्क पहने, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अनावश्यक घर से ना निकलें। प्रदीप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कहे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जनता को संदेश देते हुए कहे कि और दुख व्यतीत करते हुए कहे कि भारत चीन सीमा पर लद्दाख में सड़क निर्माण में लगे साहेबगंज के उदवा प्रखंड से श्रमिक भाई शिव ठाकुर सोरेन जी की माइंस विस्फोट होने से मौत हो गई। परमात्मा शिव जी की आत्मा को शांति देकर परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शांति दे। उनके पार्थिव शरीर को राज वापस लाया जा रहा है। मेघदूत से 24,000 किसानों को मिलेगा मेघों का संदेश। खबर है गोड्डा जिला से। जिले में कृषि विज्ञान केंद्र मौसम विभाग ने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से विकसित मेघदूत ऐप का अनूठा प्रयोग शुरू किया है। जिले के 24,000 किसानों को मेघदूत ऐप से खेती बाड़ी और बारिश की सटीक जानकारी देने का नेटवर्क तैयार कर लिया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।